नमस्कार, बहुत स्वागत आपका तीन के तड़का में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा सामने आया है। हिंसा के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शेख हसीना की खबर यह भी निकल कर आ रही है सामने की ढाका छोड़ने की तैयारी में है। हसीना की पार्टी के बड़े नेता ने देश छोड़ दिया है। कुछ देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सेना ने 45 मिनट का समय दिया था कि इस्तीफा देने के बाद देश को छोड़कर शेख हसीना चली जाए। बांग्लादेश में पीएम आवास में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी घुसे हैं। शेख हसीना के फिनलैंड जाने की खबर आ रही है और जितने नेता हैं फिलहाल आपको बता दें कि उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को देखते हुए पीएम हसीना ने देश छोड़ा है, पद से इस्तीफा भी दे सकती हैं। ऐसी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकल कर आई। बताते चले कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में सेना के लोग वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसके बारे में जानकारी देंगे। बताते चले कि रविवार शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब तक हिंसा में कम से कम 300 लोगों की मौत हो चुकी है। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से बैन है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर या फिर यूट्यूब, हर तरीके से सोशल मीडिया पर बैन है। और ये भी आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जोरदार चल रहा है। यहाँ रविवार यानी कि संडे से ही शाम 6 बजे से कर्फ्यू लगा हुआ है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी निकल कर आया कि हिंसा में कम से कम 300 लोगों की मौत हो चुकी है और इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान फिलहाल जारी नहीं किया गया था। लेकिन इस बीच में शेख हसीना को सेना की तरफ से कहा गया कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दिए क्योंकि सिचुएशन आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है। और अब ये आ रहा है सूत्रों के हवाले से खबर कि बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना को सेना की तरफ से 45 मिनट का समय दिया गया देश को छोड़कर जाने के लिए और देश को छोड़कर फिनलैंड जाने की खबर आ रही है। बताते चले कि इनके जो अधिकारी थे उन्होंने देश छोड़ दिया है। थोड़ी देर में बांग्लादेश के सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें पूरी बाबत जानकारी दी जाएगी। ये भी आपको बता दें कि बिगड़ते हालात को देखते हुए यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। वहीं सूत्रों की माने तो पीएम हसीना अपने पद से भी इस्तीफा दे सकती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आरक्षण पर बिगड़ते हालात को संभालने में फिलहाल प्रधानमंत्री शेख हसीना असफल नजर आई और इसीलिए यह अल्टीमेटम उनको दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का जोरदार प्रदर्शन आप देख सकते हैं। पीएमओ हाउस में बताया जा रहा है कि हजारों की संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी प्रवेश कर गए हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसमें देखना होगा कि सेना के जो जवान है यानी कि जो सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें क्या कुछ ब्रीफिंग दी जाती है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई थी पड़ोसी देश श्रीलंका की और इसके बाद अब बांग्लादेश की। ये खबर बेहद ही चिंताजनक, जहां पर आरक्षण को देखते हुए बिगड़ते हालात, रविवार शाम से वहां पर कर्फ्यू के हालात भी, मतलब कर्फ्यू लगाया गया था, 300 लोगों के मारे जाने की इस प्रदर्शन में खबर भी निकल कर आई। आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं बताई गई। सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से टोटली बैन कर दिया गया। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग वो जो ली गई है हेलीकॉप्टर, जहां पर शेख हसीना और उनके अधिकारियों के बांग्लादेश के छोड़ने की खबर इस हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो उड़ान भरेगी फिनलैंड जाने की खबर बताई जा रही है। पद से इस्तीफा भी दे सकती हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। फिलहाल आप देखिए आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन पीएम शेख हसीना के हाथों से होती हुई नजर आई और अब पूरी कमान सेना के हाथों में बांग्लादेश की। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना के तरफ से की जाएगी और उसमें जानकारी दी जाएगी बाबत की क्या कुछ है। फिलहाल अभी जरूरत है कि प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को वहां पर रोकना, पीएमओ हाउस में जो हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं उनको बाहर निकालना, आरक्षण के मुद्दे पर जो सुलगता हुआ वहां पर बांग्लादेश नजर आ रहा है, पूरा का पूरा बांग्लादेश, उस परिस्थिति को किस तरह से संभाला जाए, इसीलिए सेना ने अब पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है और इसके लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग सेना की तरफ से की जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि क्या अभी परिस्थिति और आगे किस तरह से बांग्लादेश सुलगते हुए आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश को कैसे सेना संभालेगी। फिलहाल प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर जाने के लिए 45 मिनट का समय दिया गया है। यह भी बताया गया कि शेख हसीना के अधिकारी देश छोड़कर जा चुके हैं, फिनलैंड जाने की खबर आ रही है। यही वो हेलीकॉप्टर है बांग्लादेश का, जहां आप देखिए दो गाड़ियां और उसके बाद दूसरी तस्वीर प्रदर्शनकारियों की, आरक्षण पर सुलगता हुआ बांग्लादेश, कोई एक जगह नहीं, गाड़ियों को आग लगा दी गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया,
जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। एम्बुलेंस में तोड़फोड़, तमाम गाड़ियां हजारों की संख्या में लाठी डंडों के साथ प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हालात बद से बदतर होते हुए नजर चले आए, यानी इनको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं फिलहाल उतर रहा है, या फिर यूं कहें कि उतरने के बाद भी वहां पे परिस्थिति आउट ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है। पीएमओ हाउस के अंदर एंटर करते हुए हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी आपको इस तस्वीर में, जो कि एक बहुत बड़े सवाल की तरफ और एक चिंताजनक स्थिति की तरफ इंगित करती हुई नजर आ रही है। ये आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर बहुत अहम की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर फिनलैंड जाने की खबर निकलकर सामने आई। अपने पद से भी इस्तीफा दे सकती हैं। 45 मिनट का समय दिया गया है। थोड़ी देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें ब्रीफिंग दी जाएगी। बांग्लादेश आपको आरक्षण के मुद्दे पर सुलगता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं बांग्लादेश से। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की ये सीधे तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक तरफ हेलीकॉप्टर पर शेख हसीना देश छोड़कर जाने के लिए इनको 45 मिनट का समय दिया गया है, और अब अधिकारी वहां से जा चुके हैं शेख हसीना के। 45 मिनट के बाद लगभग थोड़ी देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पीएमओ हाउस में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। तमाम सुरक्षा के बावजूद पीएमओ हाउस में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी घुसे। आरक्षण के मुद्दे पर सुलगता हुआ आपको बांग्लादेश नजर आ रहा है। रविवार शाम से कर्फ्यू बांग्लादेश में लगा दिया गया। ये भी आपको बता दें कि 300 लोगों की इस प्रदर्शन में मृत्यु हो चुकी। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं, ये सूत्रों के हवाले से यह खबर है। और अब हालात और बद से बदतर ना हो इसीलिए सेना ने अब पूरी लीड अपने हाथों में ले ली है। सेना अब कमान बांग्लादेश की संभालेगी। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेशन प्लेटफॉर्म में बांग्लादेश सरकार के इस्तीफे की एक सूत्र मांग के साथ पूर्ण असहयोग आंदोलन की अपील भी की गई थी, और इसीलिए अब इस अपील को माना गया है। लाइव अपडेट्स अगर आपको बताते चले तो उसमें खबर यह है कि प्रथम आलो अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हुई। वह अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं और अब कमान सेना संभालने वाली है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कर्फ्यू और इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण $10 बिलियन का नुकसान भी हुआ है। ढाका ने सोमवार से 3 दिनों के लिए बैंकों समेत सरकारी और निजी कार्यालयों को फिर से बंद कर दिया है। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बांग्लादेश में फिलहाल अभी के लिए बिल्कुल बाधित है। AFP ने यह भी बताया कि बांग्लादेश में मरने वालों की कुल संख्या कम से कम 300 हो गई है। रविवार को सरकार विरोधी प्रदर्शन में एक ही दिन में 94 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन आंकड़ा 300 तक बताया जा रहा है। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने आपातकालीन फोन नंबर भी जारी कर दिया, एडवाइजरी भी जारी की गई थी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना पर इस्तीफे देने का दबाव बनाने के लिए देशव्यापी कर्फ्यू की अवहेलना करते हुए 5 अगस्त को राजधानी ढाका तक मार्च निकालने का आह्वान किया, और इसमें लोगों से भी शामिल होने की अपील की गई। सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश रेलवे में हिंसा प्रभावित एरिया में सभी सेवाओं को निलंबित कर दिया है। सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश रेलवे ने हिंसा प्रभावित एरिया में सभी सेवाओं को निलंबित कर दिया। बांग्लादेश में हो रहे संघर्ष को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 5 से 7 अगस्त तक 3 दिन की छुट्टी की घोषणा भी की। वहीं छात्र नेता आसिफ महमूद ने प्रदर्शनकारियों से लड़ाई के लिए तैयार रहने को भी कहा। उन्होंने कहा, यानी कि आसिफ महमूद ने, कि लाठियां तैयार करो और बांग्लादेश को आजाद कराओ। राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन के बीच ढाका में हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित बांग्लादेश के प्रमुख एयरपोर्ट्स रविवार यानी कि कल बीते शाम को बिना किसी व्यवधान के संचालित हुए, और हिंसा के बीच सभी निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें सुचारू रूप से चल रही हैं। आपको लाइव अपडेट्स हम इस वक्त ही बताते जा रहे हैं कि बांग्लादेश में इस समय क्या क्या हो रहा है।
आवामी लीग का सोमवार यानी आज को प्रस्तावित शोक जुलूस कर्फ्यू के कारण रद्द कर दिया गया। आवामी लीग के उप कार्यालय सचिव सईम खान ने रविवार को रात पुष्टि की थी कि पार्टी ने शेख कमाल की जयंती के आधिकारिक उत्सव को भी स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि सिचुएशन जिस तरह से नजर आ रही है। बांग्लादेश सेना ने लोगों से कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह भी किया था, क्योंकि रविवार देर शाम से कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया। सेना के हेलीकॉप्टर को आप पहले तस्वीर में देख रहे हैं, जहां इसी सेना के हेलीकॉप्टर से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए 45 मिनट का समय दिया गया है। फिनलैंड जाने की खबर निकल कर आ रही है। दूसरी तरफ आप तस्वीरें उग्रकारी प्रदर्शनकारियों की नजर आ रही है। आरक्षण को लेकर वहां पर युवाओं के द्वारा जो मांग की जा रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आरक्षण की मांगों को नहीं माना जाएगा तो हम बांग्लादेश तक जोरदार प्रदर्शन करेंगे। आम जनता से भी हामिद की तरफ से ये अपील की गई कि आप भी इस आरक्षण के मुद्दे पर आइए और एकजुट होइए। बांग्लादेश को इससे मुक्त कराना है और ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर जाना ही पड़ा। पद से भी इस्तीफा देने के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। फिलहाल फिनलैंड जाएंगी और सेना ने अब मोर्चा संभालते हुए अपने हाथों में पूरी कमान ले ली है। देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के जवान सेना क्या कुछ ब्रीफिंग करती है बांग्लादेश को लेकर और कैसे सिचुएशन को कंट्रोल में रखती है। फिलहाल ये चिंताजनक हालात, बांग्लादेश के सभी देशों की नजरें अब बांग्लादेश पर टिकी हुई है। इसको लेकर राहत बचाव के लिए एडवाइजरी नंबर भी भारत की तरफ से जारी कर दिया गया था। भारत ने हर एक मदद संभवतः मदद करने की कोशिश बांग्लादेश को की थी। भारत आ सकती है शेख हसीना, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। जैसा हमने आपको बताया कि सेना के हेलीकॉप्टर से भारत आ सकती है प्रधानमंत्री शेख हसीना। बड़ी खबर इस वक्त की बांग्लादेश से, चिंताजनक हालात बांग्लादेश में इस समय लग रहे हैं। सिचुएशन यहां पर अभी सबसे गंभीर यही है कि प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरीके से रोका जाए। और बांग्लादेश मीडिया के हवाले से खबर यही है कि सेना के हेलीकॉप्टर से शेख हसीना भारत की तरफ रुख कर रही हैं। बांग्लादेश के बाद भारत, देश छोड़ने के बाद शेख हसीना भारत आएंगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। प्रथम आलो अखबार वही है जो हम बांग्लादेश की रिपोर्ट बता रहे हैं। उनकी रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हुई हैं। वह अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं और अब कमान सेना संभालने वाली है। लाइव अपडेट्स इस समय की बांग्लादेश से इस वक्त आपको बता रहे हैं। हिंसा के बाद शेख हसीना पद से इस्तीफा दी, थोड़ी देर में आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सबकी निगाहें बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से खबर। प्रथम आलो अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आर्मी हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश को छोड़ भारत की तरफ रुख कर रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें। और अब आपको राजस्थान के पाली से बड़ी खबर बताते चले, जहां तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नेशनल हाईवे पर पानी से कटाव भी हुआ है। तेज बहाव के चलते लालपुरा के पास हाईवे कट गई है। बड़ी खबर आपको पाली से बता रहे हैं, झमाझम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नेशनल हाईवे पर पानी से कटाव देखा जा रहा है, यानी कि तेज बहाव के चलते लालपुरा के पास हाईवे कट गया है। बड़ी खबर, वो तस्वीरें भी अगर निकल कर सामने आती हैं तो वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल पाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पाली से जिस तरह से तेज बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है, इस तरह से पाली में तस्वीरें निकल कर नहीं आई। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयभीत कैसे जो एक सड़क है, डबल मतलब हाईवे दिखाई पड़ रही है, दो लेन ये सड़क है, टू लेन हाईवे। आप एक तरफ के सड़क को देख सकते हैं किस तरह से आधी सड़क पूरी कट गई है तेज बारिश की वजह से। सड़क के ये हालात जर्जर अवस्था में नजर आ रहे हैं। हालांकि वहां पर जेसीबी और राहत की रेस्क्यू जो टीम है वो फिलहाल ऐसा लग रहा है पहुंच चुकी है, लेकिन आप सोचिए कि यहां से गुजरने वाले जितने भी वाहन होंगे उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि टू लेन है, एक लेन से गाड़ियां आ रही हैं और एक लेन से गाड़ी जाने वालों की है, लेकिन एक लेन को आप देख रहे हैं कि वो प्रभावित हो चुकी है। तेज बहाव में सड़क का आधा हिस्सा टूट चुका है बारिश की वजह से। अब एक ही रोड से आना और जाना गाड़ियों का शुरू होगा। एक तरफ तेज बारिश, दूसरी तरफ इस तरह से जर्जर सड़क के हालात बेहद ही चिंताजनक। बह गए हाईवे, ऐसे कंस्ट्रक्शंस को काम किया गया है वहां पाली पर, यह दिखा रहा है
और बूंदी के भी हालात इसी तरह है कुछ, क्योंकि भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात आए तेज बहाव से सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां बाइक तिनके की तरह ताश के पत्तों की तरह भरभराकर ढहती हुई और बहती हुई नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको तस्वीर हम दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर देखिए कि किस तरह बूंदी में बारिश की वजह से घरों में पानी है और पानी में जो आधा उनका बेड है या फिर चारपाई उसका उसके जो साइड के जो पिलर्स हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं और लोग अपने उसी बेड चारपाई पे ऊपर बैठे हुए हैं। सड़क के हालात, घरों में जो फ्लोर्स हैं फर्स्ट फ्लोर्स वो उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो उस पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह से खड़ी है और वो भी अपने तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बुजुर्ग को आप देख रहे हैं, दुकान लगभग है शायद और उसके अंदर वो अपने तखत पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और इधर प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जिलों में जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। स्कूल अस्पताल से लेकर घरों तक पे पानी भर गया है। 5 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। बरसात का मंजर, सड़कें बनी समंदर, बादलों की धार, मुसीबत की बाढ़, बारिश का वार, हर तरफ हाहाकार। बारिश और बाढ़ से करीब करीब आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से हालात जानलेवा हो गए हैं। राजस्थान से लेकर केरल तक आसमानी आफत जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों का सैकड़ों गांव और शहरों से संपर्क टूट गया है और जम्मू कश्मीर में तो हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों से बिना जरूरत बाहर निकलने और नदी झील के पास जाने से मना किया गया है। राजस्थान में भी सोमवार के लिए 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बात जैसलमेर जिले की करें तो मूसलाधार बारिश से शहर में 6 इंच पानी तक भर गया है। बरसात के बाद ग्रामीण इलाकों में पानी इकट्ठा हुआ तो नदी के रूप में बहकर शहर में घुस रहा है। वहीं लगातार बारिश के चलते कोटा और सरहदी इलाके की नदियां उफान पर हैं। खातोली पार्वती नदी के उफान के चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क कट गया है और स्टेट हाईवे 70 बंद हो गया है। वहीं चंबल की ओर काली सिंध नदियों में भी पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर केकड़ी में बारिश के चलते हालात इतने बिगड़ गए कि एसडीआरएफ की मोर्चा संभालना पड़ा। संभावित हादसों की आशंका को देखते हुए जलभराव वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ की वजह से कई गांवों में कच्चे मकान धराशायी हो गए तो वहीं कई मवेशियों की मौत भी हो गई है। बात जोधपुर की करें तो तेज बारिश के बाद बड़ा हादसा हो गया। जिले के बोरा नाड़ा इलाके में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 10 लोग उसमें दब गए। इनमें से 3 की इलाज के दौरान मौत हुई तो वहीं 7 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पाली में जिले भर में बारिश चल रही है। भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घर दुकान से लेकर सरकारी भवन तक जलमग्न है। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। बता दें कि रविवार देर रात से ही हो रही तेज बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। झालावाड़ जिले में बरसात का कहर जारी है। रविवार को दिन भर जिले भर में बारिश का दौर जारी रहा तो वहीं मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश का दौर जारी रहने से काली सिंध नदी के जलस्तर में खासी बढ़ोतरी हुई है। काली सिंध नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बांध के 4 गेट खोलकर करीब 20,000 क्यूसेक पानी की लगातार निकासी की जा रही है। बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी होने से जिले के गागरोन इलाके की पुलिया पर पानी आ गया, जिससे आसपास के कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। सवाई माधोपुर जिले में हो रही बारिश से बांध और तालाब में पानी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीते दिनों हुई बारिश के चलते चौथ का बरवाड़ा तहसील इलाके में ढील बांध पूरी तरह से पानी से लबालब होकर छलक गया है। बता दें कि भारी बारिश के बाद बाड़मेर, बालोतरा, टोंक, अजमेर समेत कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो तटीय इलाकों में ना जाएं। इसके अलावा नाले जाम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है।
तो वहीं इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिन प्रदेश के 5 जिलों में भारी बरसात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और एक तरफ देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं, पहाड़ हो या मैदान सभी जगह एक जैसा हाल है। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में भागीरथी का इस बार रौद्र रूप देखा तो वहीं नदी उफान पर है। ऐसे में गंगोत्री धाम किनारे बने आश्रम पर खतरा मंडराया हुआ है। नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते गंगोत्री धाम में घाटों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि अगले कुछ दिन नदी के पास जाने से बचें। तो बारिश और बाढ़ ने किस तरह कोहराम मचाया गंगोत्री धाम में, भागीरथी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया जाता है तमाम श्रद्धालुओं को कि इस दरमियान घाटों के किनारे या गंगोत्री धाम के किनारे मत जाएं, थोड़े दिन बचे रहें, क्योंकि जिस तरह तेज बहाव है कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। और इस तरह की तमाम हमने खबरें और वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर वो हमने चलाई भी, जैसे कि कांवड़िया वो कांवड़ का जल गंगा जी का जल लेने के लिए वो जा रहे थे लेकिन वो तेज बहाव में बहते हुए चले गए। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने छलांग लगाकर उनको बचा लिया। इसीलिए जो बाढ़ की वजह से खतरा मंडरा रहा है इसी वजह से उनको अलर्ट किया जा रहा है। और इधर केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रविवार को 1300 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर से 670 और पैदल रास्तों से 660 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वहीं अभी भी 400 यात्रियों का रेस्क्यू करना बाकी है। केदारनाथ से 350 और भीमबली से करीब 50 लोगों का रेस्क्यू होना है। बीते 4 दिनों में केदार घाटी से अभी तक 10,374 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उधर देहरादून कंट्रोल रूम से भी रेस्क्यू अभियान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तो लगातार 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन केदार घाटी में जारी है। अचानक से हुई झमाझम बारिश और लैंडस्लाइड और पहाड़ों के दरकने की वजह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु फंस गए थे। जैसे ही खबर लगी वैसे ही उत्तराखंड के सीएम नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन एमआई और चीनू के जरिए जारी है। आज भी हजारों की संख्या में जहां पर श्रद्धालुओं को बाहर निकाल लिया गया तो वहीं सैकड़ों की संख्या में अभी भी श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और वहीं वाराणसी में कांवड़ियों से मारपीट की खबर सामने आई है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मामला लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज का है। वीडियो में दिख रहा है कि पहले कांवड़िये से बातचीत की गई, उसके बाद दोनों लड़के कांवड़ियों को खींचकर सड़क के दूसरी तरफ लाते हैं। उसके बाद दोनों लड़के कांवड़ियों के साथ मारपीट करते हैं। पुलिस मामले की जांच में भी जुटी है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जहां कांवड़ियों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। पहले बात फिर उसके बाद मारपीट। कांवड़ियों में दो युवक पीट रहे हैं। और बेंगलुरु से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला से छेड़खानी की गई। पूरी घटना का सीसीटीवी आ चुका है जिसमें दिखा है कि एक महिला अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी पीछे से आए एक शख्स ने पहले तो उसका पीछा किया फिर महिला से छेड़खानी करने लगा। बताया गया कि मामला 2 अगस्त का है। महिला राजस्थान की रहने वाली है और उस समय वो घर के बाहर अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी, तभी पूरी घटना घटी। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से महिला के साथ बदसलूकी की जा रही है। और नशा रफ्तार और लापरवाही, ये वो तीन यमदूत हैं जो लोगों को सड़कों पर मौत के मुंह में ले जाते हैं। देश के 3 शहरों में हादसों को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके पहले आप ये 12 के शाहबाद में सड़क पर खड़ी कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी
जो मच गई उसका वीडियो देख रहे हैं। कार मालिक वार्डन शाहबाद एडीएम ऑफिस आया था, कार को खड़ी करके वो काम में अंदर चला गया, जिसके कुछ देर बाद ही कार के बोनट के भीतर से धुआं निकलने लगा। सूचना पर कार मालिक ने बाहर आकर कार का बोनट खोला, तब जाकर कार के इंजन में से आग की लपटें निकलने लग गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने वहां रखे रेत से कार में लगी आग पर काबू पाया। और तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो तटीय इलाकों में ना जाएं। इसके अलावा नाले जाम होने की वजह से कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। तो वहीं इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिन प्रदेश के 5 जिलों में भारी बरसात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बरसात का मंत्र, सड़कें बनी समंदर। बादलों की दहाड़, मुसीबत की बाढ़। बारिश का वार, हर तरफ हाहाकार। बारिश और बाढ़ से करीब करीब आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से हालात जानलेवा हो गए हैं। राजस्थान से लेकर केरल तक आसमानी आफत जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कों का सैकड़ों गांव और शहरों से संपर्क टूट गया है। और जम्मू कश्मीर ऐसे बन गए हैं कि लोगों से बिना जरूरत बाहर निकलने और नदी झील के पास जाने से मना किया गया है। राजस्थान में भी सोमवार के लिए 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बात जैसलमेर जिले की करें तो मूसलाधार बारिश से शहर में 6 इंच पानी तक भर गया है। बरसात के बाद ग्रामीण इलाकों में पानी इकट्ठा हुआ तो नदी के रूप में बहकर शहर में घुस रहा है। वहीं लगातार बारिश के चलते कोटा और सरहदी इलाके की नदियां उफान पर है। खातोली पार्वती नदी के उफान के चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच संपर्क कट गया है और स्टेट हाईवे 70 बंद हो गया है। वहीं चंबल की ओर काली सिंध नदियों में भी पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर केकड़ी में बारिश के चलते हालात इतने बिगड़ गए कि एसडीआरएफ की मोर्चा संभालना पड़ा। संभावित हादसों की आशंका को देखते हुए जलभराव वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ की वजह से कई गांवों में कच्चे मकान धराशायी हो गए तो वहीं कई मवेशियों की मौत भी हो गई है। बात जोधपुर की करें तो तेज बारिश के बाद